यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे नमस्कार दर्शक मित्रों, आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आशा है कि इस कार्यक्रम से हमारे जीवन में एक नई दिशा आए। जी हाँ, आज से हम जिस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही एक अद्वितीय स्रोत है और ये कार्यक्रम है जीवन सार गीता इस कड़ी के साथ। दर्शकों, बचपन से ही आज दिन तक मुझे माता पिता ने यही सिखाया है कि जब भी जीवन में कोई मुश्किलात आए, परेशानी आए, उलझन आए, तो गीता को अपनी आँखों के सामने अपने हाथों में रख कर कोई भी पन्ना खोल दो तो आपको उसका हल अर्थात सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए आज हम ऐसे ही उलझनों की कड़ियों को सुलझाने के लिए प्रयास करने की दिशा की ओर बढ़ें और आज हमारे साथ जो हमें इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित है वे है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। जब गीता ये शब्द हम सुनते हैं तो सभी के मन में एक रिस्पेक्ट आदर भाव तो जागृत होता ही है, क्योंकि आज हम न्याय की भी व्यवस्था को देखें, लॉ सिस्टम को भी देखें, तो कहा जाता है कि गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाइए, है ना, माना उसको इतना ज़्यादा वेटेज मिलता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आ रहा है कि गीता, इसका अर्थ क्या होता है, क्या कहेंगे इस बारे में? गीता माना ही वाक्य, गीता जैसे हम बहुत सारे गाने सुनते हैं उसको भी हम गीत कहते हैं, लेकिन वो गाने जो है मनुष्यों के मुख से गाए हुए होते हैं और वो उसमें मन रम जाता है। हाँ, हमारा। हाँ। क्योंकि एक व्यक्ति जब कोई गीत गाता है तो पहले जिसने लिखा है उसने भी उसको बहुत मन लगा के लिखा हुआ होता है, तो जिसने गाया है उसका तो नाम लेते ही रहेंगे लोग। ऐसे ही गीता ए जो शब्द हम सुनते हैं तो तुरंत सभी को भगवान की याद आ जाती है जो भगवान ने गाई है, इसीलिए इसको सिर्फ गीता नहीं कहते हैं हम, श्रीमद् भगवद् गीता कहते हैं, अर्थात भगवान के मुख कमल से जो भी शब्द उच्चारण हुए हैं इसको ही हम भगवद गीता कहते हैं। भगवान ने जो वाक्य उच्चारण किए हैं वो गीता है, जिसमें सर्व समस्याओं का समाधान है। आज व्यक्ति के जीवन में जैसे आपने बोला कि हम आंखें बंद करके भी गीता को ओपन करेंगे तो हमें अपने प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स दुनिया में हम देखते हैं, हर प्रॉब्लम का सलूशन गीता के अंदर है। एक इस दुनिया में एक ही एक शक्ति है जो भगवान, वो उनके पास ही हर समस्या का समाधान है। तो भगवान गीता में ऐसे शब्द उच्चारे हैं कि हर व्यक्ति का हर समस्या का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर, जो उलझन है मन में हर प्रश्न का उत्तर गीता में मिल जाता है। और गीता एक ऐसी चीज है हर व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए, जीवन में धारण करना ही चाहिए, क्योंकि गीता में ऐसे ऐसे शब्द हमें मिलते हैं कि हमारे जीवन में दुख और सुख सभी का कारण क्या है, हमारे जीवन कैसे हो, इसके बारे में बहुत सारे डिटेल से बातें हमें गीता में मिलते हैं। ये ऐसा शास्त्र है जिसको कोई व्यक्ति गा नहीं सकता। बहुत सही बात कही आपने कि आज दिन तक हम गीता का नाम भी सुन रहे थे या गीता पढ़ते भी थे तो केवल एक सुनने या पढ़ने के दायरे तक ही वो सीमित रहता था। कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि इसमें से हम अपने अंदर कुछ उतारे, प्रैक्टिकल में कुछ लाए। इसलिए कहीं ना कहीं गीता को हम देखते हैं जीवन सार भी कहा जाता है और हमारे कार्यक्रम का भी नाम जीवन सार गीता रखा गया है। तो ज़रूर हम सभी के मन में एक प्रश्न तो
उलझ ही रहा है कि इसे जीवन सार अर्थात गीता को जीवन सार क्यों कहा गया है। गीता हर एक व्यक्ति का जीवन का सार है, क्योंकि ये जो जीवन हम जी रहे हैं, जीवन जीते जीते आज हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा बंधन सा महसूस कर रही है। हर व्यक्ति सोचता है मेरा जीवन ही मेरे लिए एक सबसे बड़ा बंधन हो गया है, मेरे जो काम कर रहा हूँ उस काम भी उनके लिए एक बंधन बन गया है। इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मेरे को इस काम से भी छुटकारा चाहिए, क्योंकि ये काम करते करते मैं थक गया हूँ। लेकिन आज जो काम हम खुशी से कुछ चॉइस किए हैं, जब हमने खुद उस जॉब को चॉइस किया, बाद में वही जॉब हमें बंधन महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि हम उस कर्म को करते करते खुशी का अनुभव करने के बजाय उस कर्म में भी बंधन की अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जितने भी संबंध आते हैं, सभी संबंध हमने खुद बनाया है। संबंध हमने बनाया अपनी खुशी के लिए, लेकिन बाद में वही संबंध हमें बंधन का अनुभव कराते हैं। तो लोग ये भी सोचते हैं कब इस संबंधों से छुटकारा मिलेगा। बहुत सारे लोग घर में भी यही बात कहते हैं, मुझे आप लोगों से मुक्ति चाहिए, जल्दी मुक्ति चाहिए। मतलब अभी रिलेशनशिप जो संबंधों में मधुरता देती थी वो कहीं ना कहीं बंधन महसूस हो रही है, तो इसको हम गीता के साथ में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। आज जो हर व्यक्ति हर जगह पर बंधन का अनुभव कर रहा है, हर व्यक्ति को एक तो तन का भी बंधन है, जो अपना तन समय पर सहयोग नहीं देता है, ये जो कर्मों का हिसाब किताब होता है, रोगी शरीर, इसके बंधन में भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे सोचते हैं मैं जल्दी शरीर को ही छोड़ दूं, क्योंकि तन का भी बंधन का अनुभव। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों को मन भी एक बंधन का अनुभव कराता है, कि वो सोचते कुछ और है और उनके जीवन में होता कुछ और है। और कई तो सोचते हैं ये करना चाहिए, फिर भी ताकत भी नहीं होती है करने की, क्योंकि उनके मन में ही उनको एक बंधन का अनुभव होने लग जाता है। क्योंकि मन जो है वो शांति से रखना चाहते हैं लोग, लेकिन जब मन में ज्यादा अशांति का अनुभव होता है तो सोचते हैं ये मेरा मन भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा बंधन बन चुका है। ऐसे हर जगह तन का बंधन, मन का बंधन, संबंधों में भी बंधन, ऐसे ही कर्म में भी बंधन। आज तो देखते हैं तन मन संबंध कर्म धन का भी बंधन हो गया है। कमाते हैं परंतु उसको यूज करने की इच्छा नहीं होती है, या कई बार कहते हैं कि उसमें भी बंध गया है। आज कमाते कमाते वो भी एक बंधन ही बन गया है। इसलिए जीवन में जब बंधन का अनुभव करते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है मेरे को जीवन से मुक्ति चाहिए। लेकिन जीवन से मुक्त होना सब चाहते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति का यथार्थ अर्थ भी आज लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में जीवन बंधन का अनुभव कराने के बजाय जीवन में रहते भी हमें ऐसा महसूस होना चाहिए हम जीवन से मुक्त हैं, अर्थात हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं, सुख है, शांति है, आनंद है। क्योंकि बोलते समय भी बोलते हैं हमारा जीवन में निरंतर खुशी होनी चाहिए। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि जीवन जीने की कला, ये जो गीता है जीवन का सार, इसलिए गीता को कहते हैं, गीता से हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। वो भी निरंतर खुशी से जीने की कला हमें गीता सिखाती है। तो हमारा जीवन में अगर हम जीवन सार गीता बना लेंगे तो हमें ये आर्ट आ जाएगी कि कैसे हम निरंतर खुशी से जी सकते हैं। बहुत सुंदर बात कि कहीं ना कहीं आज दिन तक हम खुशी को कुछ चीजों में, कुछ वस्तुओं में खोज रहे थे, और वो कुछ क्षणों की, घंटों की, मिनटों की या कुछ दिन की होती थी, परंतु इसे हम अपने जीवन का सार बना ले तो एक खुशी जो है चलती ही रहेगी। क्योंकि आज व्यक्ति को खुशी चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन कहाँ मिलता है वो लोग नहीं जानते। हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी ढूंढ रहा है, शांति को ढूंढ रहा है, लेकिन ढूंढ कहाँ रहा है। कोई कोई सोचते हैं मैं तब तक टेंशन में रहूंगा जब तक मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि वो सोचते हैं पढ़ते समय मैं खुशी से रह नहीं सकता। ऐसे बच्चे को पूछेंगे तो बच्चे बोलेंगे मेरे पढ़ाई के बाद ही मुझे खुशी मिलेगी। ऐसे बड़े को पूछेंगे तो वो बोलेंगे मेरे को अच्छा जॉब मिलने के बाद ही खुशी मिलेगी, एक घर बनाने के बाद ही खुशी मिलेगी, अच्छा फैमिली मिलने के बाद ही खुशी मिलेगी। ऐसे आज हम खुशी को क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो जीवन है 4 दिन का, जिंदगी जिसको हम कहते हैं, 4 दिन जब जी रहे हैं तो निरंतर खुशी से जीना चाहिए। वो कला हमारे अंदर नहीं आ रही है। लेकिन जीवन जी किस लिए रहे हैं, जैसे आज पशु भी जी रहे हैं, मानव भी जी रहा है,
लेकिन बोलते हैं पशु को हंसना नहीं आता, शायद वो भी अपनी भाषा में हंस रहे होंगे, लेकिन क्या हम लोग मन से हंस रहे हैं? एक बार देखेंगे तो बाहर से तो सभी हंसते हैं, जिसे को हम कहते हैं आजकल प्लास्टिक स्माइल्स, सभी के चेहरे पर ऊपर से हंसी है, सभी को पूछते हैं भाई कैसे है तो कहते हैं खुश है, परंतु अंदर से कुछ और ही दिशा होती है, और ही दशा होती है। हर एक व्यक्ति बाहर से कुछ दिखाई दे रहा है, वो भी दिखाने के लिए खुश है, लेकिन उनके मन में वो खुशी है ही नहीं, अंदर से वो ऐसे फील कर रहे हैं जैसे कि ये जीवन ही मेरे लिए एक बोझ बन गया है। हर एक व्यक्ति को जो बोझ सा महसूस हो रहा है, उस बोझ से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, तो निरंतर खुशी में जीने के लिए हमें ये चाहिए हमारे जीवन में खुशी शांति, ये जो अंदर की चीजें हैं, उन चीजों को हम पा सकते हैं गीता से। क्योंकि आज जो हम ढूंढ रहे हैं, एक तो चीजों में खुशी को ढूंढने जा रहे हैं, या तो व्यक्तियों में ढूंढने जा रहे हैं। जो व्यक्ति में हम खुशी ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, जब उस व्यक्ति के जीवन में ही शांति नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में ही खुशी नहीं है, तो वो हमें कैसे कहां से देंगे खुशी? कि जो चीज हमारे पास है हम उसे दे सकते हैं, जो दूसरों के पास है हम उसे ले सकते हैं, यदि उसके पास नहीं है तो हम कैसे ले सकते हैं? उनके पास है ही नहीं, तो हम डिमांड कर रहे हैं तो मुझे चाहिए खुशी, चाहिए शांति, चाहिए प्रेम, चाहिए, लेकिन उसको हमें जो चाहिए चाहिए शब्द दूसरों से डिमांड कर रहे हैं, उसके पास तो वो है नहीं, लेकिन है तो या तो खुद में है, नहीं तो परमात्मा में है। तो परमात्मा से वो चीज पाने के लिए भी हमें मार्गदर्शन चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो वो ज्ञान सिर्फ हमें गीता से मिलती है। जो गीता में भगवान ऐसे हमें वाक्य बोलते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में चीजें हो या ना हो, व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारा मन शांति से रहे, हमारा मन खुश रहे, उसके लिए हमें जो ज्ञान चाहिए वो मिल जाता है। बिल्कुल, तो ज्ञान के लिए तो हमें कहीं ना कहीं ढूंढना ही पड़ेगा, तो गीता हमारे आगे एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को निरंतर खुशी से जीने की कला बना सकते हैं। जैसे अंधेरे में अगर उजाला न हो, रोशनी न हो, तो हम रास्ते पे जा भी रहे हैं तो समझ में नहीं आता है कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही दिशा आज हम सभी की हो चुकी है कि जीवन जी तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, परंतु वो खुशी आनंद ढूंढ भी रहे हैं, परंतु अंधेरा होने के कारण, यूँ कहे कि गीता का ज्ञान न होने के कारण, इसीलिए शायद नॉलेज को लाइट भी कहा जाता है, ज्ञान को प्रकाश भी कहा जाता है। तो ये प्रकाश यदि हमारे जीवन में आ जाए तो शायद जीवन में जीने की कला हमारी और अच्छे से हो जाए और ये जीवन हम इजीली जी सकते हैं। ये जो ज्ञान को हम प्रकाश कहते हैं, लेकिन ज्ञान है कहाँ? आज दुनिया में तो बहुत सारे किताबें हैं जिसमें बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन आज हम जो किताबें पढ़ रहे हैं उसमें जो ज्ञान है उससे तो हम कमाई कर सकते हैं। आज जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है, या तो MBBS पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, जो भी पढ़ रहे हैं, जितने भी डेप्थ में जा रहे हैं पढ़ाई के, लेकिन उससे हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के बाद तो कमाने के लिए ही शिक्षण हो गया है, ये जो पढ़ाई है सिर्फ कमाने के लिए नहीं, लेकिन पढ़ाई है जीवन को जीने की कला सिखाने के लिए। ऐसे पढ़ाई हमें उन पुस्तकों में नहीं मिल रही है। आज जो किताबें हम पढ़ रहे हैं उसमें ये ज्ञान नहीं है कि हमारा जीवन कैसे हो। बिल्कुल, और कहीं भी हम ये भी नहीं देखते हैं कि गीता के बारे में हम जानकारी जो है दिल से लेना चाहते हैं, माना गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका पाठ भी कर रहे हैं, परंतु एक रूटीन के तौर पर किया जा रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उसे ज्ञान समझकर हम अपने अंदर जीवन में ढाले ताकि वो कला बन जाए। जैसे वो किताबें पढ़ते हैं इसलिए कि कमाई करे, कमाई के लिए जितना उसको पढ़ रहे हैं, ऐसे जीवन में खुशी चाहिए, हर एक को चाहिए खुशी के लिए। अगर हम गीता पढ़ेंगे तो निरंतर हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी, लेकिन वो जो गीता पढ़ने के बाद भी बहुतों के जीवन में खुशी नहीं आती है। इस कारण से खुशी नहीं आती है कि गीता पढ़ते समय भी बहुत लोग ये सोचते हैं कि गीता का ज्ञान भगवान ने सिर्फ अर्जुन को दिया। कोई ये नहीं सोचते है कि गीता का ज्ञान भगवान ने मेरे लिए भी दिया है। उसमें गीता में देखते भी है हम तो श्री भगवान उवाच या फिर अर्जुन के कुछ प्रश्न होते हैं तो अर्जुन उवाच, माना कहीं ना कहीं उस एक के लिए ही संबोधन किया गया है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि गीता में ऐसा ही लिखा है। तो ये सभी के मन में आना पॉसिबल ही नहीं है कि ये सबके लिए है, क्योंकि अर्जुन के लिए ही कही गई।
अर्जुन के लिए हम समझ रहे हैं, लेकिन भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ज्ञान नहीं दे रहे। अगर सिर्फ अर्जुन के लिए ही होता तो आज तक गीता क्यों होती? आज भी गीता का किताब हर एक घर में है, हर एक व्यक्ति के पास है, इसलिए है कि हमें भी उससे बहुत सारे उपयोग है, इसलिए हम रख रहे हैं। सिर्फ रखने से कोई फायदा नहीं होता है, फायदा तब होता है जब हम उसको पढ़ेंगे। पढ़ते समय भी ये सोच के पढ़ना चाहिए वो भगवान ने मेरे लिए कहा, हमारे लिए दिया है, मेरे लिए दिया है। बहुत बहुत अच्छी बातें आज हमने जानी। दर्शक मित्रों, आज हमने देखा कि गीता को हम जीवन सार कहते हैं, अर्थात जो आज दिन तक हम पढ़ाई आदि पढ़ रहे थे, मैं खुद डॉक्टर हुई, LLB LLM किया, पर हमारा उद्देश्य केवल उसी दिशा में था कि हम ये ज्ञान लें, और कहीं ना कहीं देखते हैं तो वो ज़रूरतों से और धन से जुड़ा हुआ ज्ञान हो गया है। और गीता जो है वो जीवन का सच्चा धन, अर्थात सुख शांति आनंद पाने के लिए एक सच्चा मार्ग हमें दर्शाता है, जो कि निरंतर रूप से हम अपना सकते हैं। बहन जी, आज आपने हमें बहुत अच्छी तरह से इस बारे में मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने गीता सार को तो जाना कि जीवन का सार अर्थात गीता ये कहा गया है, परंतु और भी कई सारे ऐसे प्रश्न हमारे मन में हैं जो कि हम उसका उत्तर जानना चाहते हैं। और जैसे बहन जी ने बताया कि गीता को कहीं ना कहीं हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ तक ही सीमित रख दिया है, परंतु इसे अपने जीवन में कैसे धारण करना है, और ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में हैं जो कि हम आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर कवर करेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका रुपारेल आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
मुझे